चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है 2020 सबसे गर्म वर्षों में से एक। यह विषय चर्चा में क्यों है? विभिन्न वैश्विक एजेंसियों द्वारा 2020 को सबसे गर्म वर्षों में से एक के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एजेंसीज का कहना है कि 2016 के साथ 2020 सबसे गर्म साल रहा था। संयुक्त राष्ट्र NOAA के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ने कहा है कि वर्ष 2020 दर्ज तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है, जो मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन की बढ़ती गति को दर्शाता है। ये एजेंसियां हर साल जनवरी में पृथ्वी की सतह के तापमान की माप की रिपोर्ट देती है। पिछले साल 2019 को यूरोपीय मौसम एजेंसी के कोपरनिक्स जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम द्वारा दूसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया था। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 2019 देश के लिए पिछले साल सातवां सबसे गर्म साल था। वैश्विक तापमान की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। NOAA के अनुसार वैश्विक भूमि और समुद्र की सतह पर 2020 के लिए औसत तापमान 20वीं सदी के लिए औसत से 0.98 डिग्री सेल्सियस अधिक था और 2016 के औसत तापमान से सिर्फ 0.02 डिग्री सेल्सियस कम है। पृथ्वी पर सात सबसे गर्म वर्ष 2014 के बाद से और 10 सबसे गर्म वर्ष 2005 के बाद से हुए हैं। इसके अलावा 2020 के लिए बर्कले ग्लोबल टेम्परेचर के अनुसार इसे 1850 के बाद से पृथ्वी पर दूसरा सबसे गर्म वर्ष कहा गया है, लेकिन उनके विश्लेषण के अनुसार 2016 और 2020 के बीच के तापमान में अंतर 0.022 डिग्री सेल्सियस तक आता है। इसलिए दोनों वर्षों को प्रभावी रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। NOAA के अनुसार 2020 के कुछ महत्वपूर्ण जलवायु विसंगतियों और घटनाओं में दो दशकों में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला दूसरा सुपर साइक्लोन एम्फाल शामिल है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लेकर 180 किलोमीटर दक्षिण में दीघा के बीच चक्रवात ने भूस्खलन किया था और बांग्लादेश के हटिया द्वीप पर मई 2020 के दौरान दोपहर से शाम तक 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अधिकतम गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अन्य घटनाओं में तूफान एटा और इओटा शामिल हैं। अमेरिका में चरम घटनाओं का एक उदाहरण कैलिफोर्निया में जंगल की आग है। कैलिफोर्निया में 1932 के बाद से दर्ज सबसे बड़ी जंगल में आग की घटनाओं में 6 में से 5 2020 में हुई। इस आग से निकलने वाले धुएं और राख ने सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के आसपास और ओरेगन और वाशिंगटन के कुछ हिस्सों में हवा की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया। कैलिफोर्निया के वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग के अनुसार वाइल्ड फायर राज्य के परिदृश्य का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन पश्चिमी अमेरिका में अग्नि मौसम समय से पहले शुरू हो रहा है और प्रत्येक वर्ष समय से बाद में समाप्त हो रहा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर जो 2019 में शुरू हुआ 2020 की शुरुआत तक चला। इस आग को पिछले कुछ वर्षों की सबसे बड़ी जलवायु आपदाओं में से एक के रूप में देखा गया है। इन आपदाओं के कारण क्या हैं? नासा के अनुसार दशकों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इस साल की घटनाओं के लिए मंच निर्धारित करता है और मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पृथ्वी को गर्म करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इन गतिविधियों में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना शामिल है। नासा के अनुसार 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 50% से अधिक बढ़ गया है, जबकि मीथेन का स्तर दोगुने से अधिक हो गया है। इस अवधि के बाद से पृथ्वी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हुई है। आइए देखते हैं अब आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है NOAA के
नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ने कहा है कि वर्ष 2020 दर्ज तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। NOAA निम्न में से किस से संबंधित है? विकल्प ए यूरोपियन यूनियन से, विकल्प बी नासा, विकल्प सी इसरो, विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र संघ। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।